अच्छा, या वेबिनारचे जे उद्घाटक आहेत डॉक्टर राकेश राणा उत्तर प्रदेश येथून, ते ऑनलाईन आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. खरं तर राकेश राणा सर यांची जी पर्सनॅलिटी आहे ती इंटरनॅशनल पर्सनॅलिटी आहे. मला जाधव सरांनी माहिती दिली की सरांचं जे या क्षेत्रातलं काम आहे, विशेषतः रिसर्च मेथोडॉलॉजीमध्ये, ते अतिशय चांगलं आहे आणि एक चांगले इनॉग्रेटर मला वाटतं या निमित्तानं आपल्या वेबिनारसाठी प्राप्त झालेले आहेत. मला वाटतं इथून पुढे 2-2.5 तास आपला वेबिनार चालणार आहे, तर त्या अनुषंगानं इनॉग्रेटरी स्पीचच्या माध्यमातून राणा सरांचं जे व्याख्यान आहे ते आपल्या सगळ्यांना लाभणार आहे. त्याचबरोबर वेबिनार टॉपिक अवर कॉलेज इज Our college is Golden Jubilee Year. Today's webinar subject, Research Methodology in Social Science. Today's inaugurator and chief guest of this webinar, Professor Dr. Rakesh Rana sir. He is Associate Professor in MMH College, Ghaziabad, Uttar Pradesh. He is a well-known and eminent personality of the academic area. Dr. Rana sir has experienced 15 years of teaching learning process, several awards and occasionally gold medal he is accepted. Sir, Rakesh Rana sir awarded Samaj Gaurav Service and Environment Conservation Award. Rakesh Rana he achieved National Excellence Award 2017 for outstanding performance and remarkable role of the environment sociology. Rakesh Rana sir awarded a Green Leadership Award, outstanding performance and significantly contribution in environment awareness. Rana sir write several books and he has organized many of the international, national and other art, commerce and science college Kili Dharu, Maharashtra, Bid aur jinke sanyukt tatvadhan Dayanand College Latur. Aap dono शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों को इस अकादमिक आयोजन के लिए विशेष बधाई और धन्यवाद. महाविद्यालय के विद्वान प्राचार्य डॉक्टर दीपक भारती साहब, जो अपने महाविद्यालय के गोल्डन जुबली ईयर्स में बहुत सारे एकेडमिक कार्यक्रमों का एजेंडा बनाकर इस एक दिवसीय वेबिनार को सोशल साइंस में रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च ट्रेंड्स क्या है ऐसे गंभीर विषय पर इस विमर्श को आयोजित किया, इसके लिए उन्हें बहुत साधुवाद. और आदरणीय दत्ता जाधव जी, जो मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं और बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने मुझे अपने महाविद्यालय और तमाम साथियों के साथ इस मौके में सहभागिता करने का मौका एक बातचीत के बहाने दिया, उनका विशेष आभार. और ऑनलाइन जुड़े तमाम विद्वान सहभागीगण जो इस विचार विमर्श का हिस्सा हैं, आज के कीनोट एड्रेस डॉक्टर नरेंद्र सिन्हा साहब, गायकवाड़ जी और तमाम साथी. सोशल साइंसेस में रिसर्च मेथोडोलॉजी ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है. इस पर बहुत आधिकारिक विद्वान अपने अपने ढंग से बहुत सारा लगातार कहते रहे हैं और लगातार इस पर काम होता रहा है. दत्ता जाधव जी ने इनॉग्रेटर स्पीच रखने के तौर पर अप्लाइड सोशल साइंसेस में रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करने का मुझे आदेश किया है. जब आप इनॉग्रल तौर पर किसी विषय को प्रतिपादित करते हैं और उसे विचार विमर्श के लिए खोलते हैं तो उसमें कई चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि इस पर लगातार अगले वक्ता,
पार्टिसिपेंट्स बातचीत करेंगे और इस विषय को किस तरह से मैं खोलने का प्रयास करूंगा वो कुछ सवालों के साथ छोड़ते हुए आपको इस बातचीत को शुरू करता हूं। रिसर्च बेसिकली है क्या और उसे हम क्यों करते हैं, उसकी जरूरत क्या है? रिसर्च कोई खाली कोई उस एकेडमिक एराना जहां तक हमने समेट के रखा है उसी से नहीं बनती है या उसी से नहीं होती है, उसी से काम नहीं चलता है। इसीलिए शायद थ्योरेटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च और तमाम तरह की रिसर्चेस के भेद हम बार बार उठाते हैं, उन सवालों से जूझते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च में हम किन चीजों को किस तरह से इम्पोर्टेंट बनाएं, अप्लाइड रिसर्च का क्या महत्व है, अप्लाइड सोशल साइंसेज, अप्लाइड सोशियोलॉजी और तमाम जो सोशल साइंसेज हैं उनमें जो अप्लाइड स्ट्रीम की बात होती है और लगातार वो मोमेंट एकेडमिक एराना में अपने आप एक स्पेस बनाता जा रहा है, थ्योरेटिकल चीजों को चैलेंज करते हुए आगे बढ़ रहा है, इसलिए उन तमाम चीजों पर बात करना जरूरी है। अप्लाइड रिसर्च मेथोडोलॉजी, अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड एप्लीकेशंस इन सोशल साइंसेस, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के साथ साथ शोध हमारा स्वभाव है, मानव स्वभाव है, व्यक्ति बिना शोध के रहा ही नहीं, जिज्ञासु होना उसके लिए एक नैसर्गिक गुण जैसा है। दुनिया जब से बनी है और जहां तक हम आए हैं, इस सभ्यता का विकास, तमाम संस्कृतियों का विकास शोध के माध्यम से लगातार हुआ है। समाज ने जब संस्कृति का निर्माण किया तो उसका आधार शोध बना। शोध में हम जिन चीजों को गहरे से देखते हैं, सोचते हैं, हम अपने जीवन अनुभवों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें थोराइज करने का प्रयास करते हैं, कुछ अपने आसपास की जीवन नियमावली निर्मित करते हैं। ये सब शोध के अनुभवों के और उन जीवन अनुभवों के जोड़ने से बनता है जो हम लगातार अपने अनुभवों में, अपने ऑब्जर्वेशंस में, अपने पुराने घटनाक्रमों में उसे जोड़ते हैं और उन्हें फिर रिफाइन करके उनसे एक पूरी नियमावली बना के ना वो तरह तरह की चीजों में दिखाई देती है और जिसे हम लब्बो लुआब जोड़कर एक शब्द में कहने की कोशिश करते हैं, अपनी संस्कृति का निर्माण करते हैं, अपनी सभ्यता का विकास करते हैं। यानी कि समाज ने जैसे जैसे अपनी संस्कृति को निर्मित किया, उसका विस्तार किया, सभ्यता को गति दी, तो उसमें शोध का एक बड़ा पहलू, बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आया। जब हम कल्चर को और संस्कृति को पढ़ते पढ़ाते हैं और उसे खास तौर से रिसर्च के दायरों में देखते हैं तो हजारों परिभाषाएं संस्कृति की हो सकती हैं और हम सोशियोलॉजी के लोग, सोशल साइंसेस के लोग उन्हें पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन संस्कृति को जब हम एक रिसर्च अप्रोच के तहत डिफाइन करने की, उसका परिसीमन करने की, उसे पढ़ने पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली संस्कृति है क्या, संस्कृति का निर्माण, विकास, विस्तार हुआ कैसे, बेसिकली प्रकृति पर विजय पाने के प्रयत्न में। मैं उस खास बात को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं जहां से हमने इन सारी चीजों को उठाना, रिसर्च को करना, उसे अपने जीवन, सामाजिक जीवन, मानवीय संबंधों का हिस्सा बनाना शुरू किया। प्रकृति पर विजय पाने के प्रयत्न में व्यक्ति, समाज जो भी घड़ता गया, जो भी क्रिएट करता गया, जो भी बनाता गया, वो उसकी संस्कृति में समाहित होता गया। जो सोसाइटी के वेलफेयर में था, समाज के विकास में था, उसे अपनी संस्कृति के तौर पर हमने सहेजना, संरक्षण करना उचित समझा और जो गैर जरूरी था उसे वो धीरे धीरे छूटता गया। वो गैर जरूरी कई बार बहुत अच्छा थोराइजेशन हो सकता है लेकिन वो धीरे धीरे क्यों छूटता चला जाता है? जिस थोरी की, जिस थॉट की
कोई बहुत जीवन में एप्लीकेबिलिटी ना हो, है ना, जीवन में उसका कोई बहुत सार्थक कंट्रीब्यूशन ना हो, तो वो एक खाली कला के रूप में, एक आर्ट के रूप में बना रह जाता है। और जिसमें जीवन से जुड़ने की, जीवन की समस्याओं के समाधान करने की जितनी क्षमता होती है, वो उतना एक साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ता जाता है और एक साइंस की तरह विकसित होता जाता है। साइंस का जो गुण है सिस्टेमेटिक, क्रमबद्धता, वो उसका हिस्सा बनता है। यही साइंस में और आर्ट में एक बेसिक फर्क हो जाता है। जब चीजों को हम खाली इंजॉय के लिए करते हैं या खाली हम करने के लिए करते हैं, तो वो बहुत कुछ थ्योराइजेशन की तरफ जाता है। हम सैद्धांतिक, मैं ये नहीं कह रहा कि समाज में सिद्धांत का, सिद्धांतों का, उसके थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर का, सैद्धांतिक ढांचे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, है उनका अपना महत्व है, है ना। सोसाइटी की अपनी एक मॉरल स्ट्रक्चर है, एक वैल्यू स्ट्रक्चर है, लेकिन वो भी अपने जीवन अनुभवों से जितनी जरूरी है, उनमें जब जब जितना संशोधन होना होता है, उन नियमों में, उन तौर तरीकों में, कस्टम्स में, परंपराओं में, नैतिक संहिताओं में जब जितने बदलावों की जरूरत होती है, वो भी हम रिसर्चेस के माध्यम से इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने समाज पर उस तरह के दबाव बनाते हैं। सामाजिक बदलावों की भूमिका क्या है, जो अप्लाइड रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च बेसिकली अपने आप में एक मेथोडोलॉजी है, और अप्लाइड मेथोडोलॉजी या अप्लाइड रिसर्च की जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली हम बदलावों को समझकर समकालीन स्थितियों, परिस्थितियों, मनस्थितियों के लिए समाज में नए इंट्रोडक्शन प्रतिपादित करते हैं, समाज को नई चीजों के लिए तैयार करते हैं, और समाज में जिस चीजों का महत्व है, समाज में जिन चीजों की इस कंटेम्परेरी सिचुएशन में डिमांड है, है ना, जो हमारे इर्द गिर्द का सिनेरियो है, उसमें जिन चीजों की जरूरत है, उसे हम अपने रिसर्च के माध्यम से इंट्रोड्यूस करते हैं। यही अप्लाइड रिसर्च का, अप्लाइड मेथोडोलॉजी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सोशल रिसर्च में बेसिकली हम जिन चीजों को अपना दायरा बनाते हैं, उनमें हमें कुछ बेसिक अंतर करने होते हैं। जब हम खाली सोशल होते हैं, तो हम सोशल वेलफेयर, अपने इर्द गिर्द की समस्याओं, अपने इर्द गिर्द के संकटों, अपने इर्द गिर्द की जरूरतों से ज्यादा कंसर्न होते हैं। और जब हम खाली थोराइज होते हैं, या मैं सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते उसे कहता हूँ डिफरेंट बिटवीन सोशल एंड सोशियोलॉजिकल, तो हम अपने एक नए ज्ञान निर्माण की तरफ, नई चीजों को खाली जानने और जिज्ञासा की तरफ, अपने एक डिसिप्लिन को विकसित करने की तरफ ज्यादा थोराइज होते जाते हैं, और अब उसकी सार्थकता अपने आसपास के साथ उसकी रिलेविटी को जोड़ने में शायद उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अप्लाइड रिसर्च का महत्व तब बढ़ता है जब कोई समाज ट्रांजिशन के फेज से गुजरता है, उसमें बदलावों की बड़ी बयार आती है। तो अगर मैं कंटेम्परेरी सिचुएशन और पूरे वर्ल्ड सिनेरियो को देखता हूं, और उसमें समाजशास्त्र की भूमिका और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन सोशियोलॉजी की भूमिका को देखता हूं, तो एक अप्लाइड सोशियोलॉजी की, अप्लाइड सोशल साइंसेस की, अप्लाइड सोशल साइंसेस की मेथोडोलॉजी की एक बड़ी दरकार है, क्योंकि समाज बड़े बदलावों के दौर में है, और एकेडमिक में भी एक पैराडाइम शिफ्ट है। जैसे तमाम पूरे सिस्टम में, पूरी चीजों में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, इन तमाम चीजों में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, उसी तरह से एकेडमिक्स में उस पैराडाइम शिफ्ट की एक बड़ी गुंजाइश उभर गई है। क्योंकि अभी तक जिन चीजों के साथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और इंडियन सोशियोलॉजी के प्रस्पेक्टिव में खास तौर से हम देखते हैं, हम ट्रेडिशनल रिसर्च के बड़े मोह में हैं, और वो तमाम जो रिसर्चेस सोशल साइंसेस में सारे सब्जेक्ट्स के देखकर और खास तौर से सोशियोलॉजी को देखकर हम उस मोह से उभर नहीं पाते। कुछ तमाम गिने चुने बड़े संस्थानों में इंटरनेशनल ट्रेंड्स के आधार पर नई अप्रोचेस सीमित हैं, बाकी एक बड़े दायरे में अभी भी जाति व्यवस्था, परिवार व्यवस्था,
पंचायत व्यवस्था, इन तमाम चीजों पर हम अपनी रिसर्च को कंसंट्रेट किए हुए हैं और जो बहुत एप्लीकेबल हमें नहीं दिखती है, ना उसका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। इसलिए अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात होनी लाजमी है और उसकी गुंजाइश लगातार है, क्योंकि जो जीवन से जुड़े सरोकार हैं, जो उस रिसर्च की सार्थकता है, जो हम काम कर रहे हैं एक सोशल साइंसेस के दायरों में, जो बड़े कंसर्न हैं, बड़े इश्यूज हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में समाज जिन्हें फेस कर रहा है ना, अगर हम उन्हें नहीं छू रहे, हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हम ना अपने सब्जेक्ट का डेवलपमेंट कर रहे, ना अपने सोशल साइंसेस में कोई बहुत बेहतर कंट्रीब्यूट कर रहे, ना हम कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी में कुछ नया कर रहे हैं, ना हम उन टूल टेक्निक्स को बहुत साइंटिफिक ढंग से इस्तेमाल करके कोई नई चीज ला पा रहे हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द के सोशल चैलेंज, चाहे वो स्त्री का सवाल है, चाहे वो नीचे के तबकों के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज जिन्हें हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, उनसे जुड़े सवालों का सवाल है, अगर सोशल साइंसेस किसी नई अप्रोच से बदलती दुनिया में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, मीडिया और मार्केट के दबावों में, जो जीवन के दबाव उभरे हैं, जो सामाजिक परिवर्तन के नए ढंग के दबाव उभरे हैं, जो नई मोरलिटीज समाज की डिमांड है, हम उनको समझने समझाने में अगर बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो हम नई मेथोडोलॉजीज भी कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि नए दौर के, नए जमाने के, नए एराना के नए सवाल हैं और वो नए दबावों से उभरे हैं। पूरा इंटरनेशनल एक दुनिया बहुत कनेक्टिंग है, हम इंफॉर्मेशन के दौर में हैं, ढेरों इंफॉर्मेशन का दबाव हम पर सब पर है, वो हम एकेडमिक्स लोगों की जिम्मेदारी इस दौर में इतनी बनती है कि इस पूरे अंबार से जिस सूचना समाज में समाज एंटर कर गया है, उससे कितनी तेजी से हम नए ज्ञान का निर्माण करें और इस बदलती दुनिया में उस नए ज्ञान के आधार पर नए समाज को नई सदी में जीने के नए नए तौर तरीके राह अपने ढंग से दिखाने में हम अपना कंट्रीब्यूट करें, ये अप्लाइड रिसर्च हो सकती है, ये अप्लाइड रिसर्च मेथोडोलॉजी हो सकती है। वरना हम खाली पुराने अपने घिसे पिटे सिक्के, अपने ठूठ हथियारों से रिसर्च करते रहे, इंटरव्यू शेड्यूल भरते रहे, बातचीत करता रहे, है ना, तो वो कोई बहुत ज्यादा सार्थक नए जमाने में, जब आप डिजिटल एज में हैं, जब आप एक बिल्कुल नई दुनिया में हैं, कितना काम करेंगे। और सोशल साइंसेस अपने ढंग से चीजों की गहन जांच शोध बिल्कुल एक छोटी सी चीज है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बहुत सावधानी से कुछ खोजते हैं, उस नए रिलेशन को समझते हैं जो बदलावों ने नए ढंग से इस्टेब्लिश किया है, ये रिसर्च है बेसिकली। और अगर रिसर्च उन बदलावों को, उन नए संबंधों को जो एमर्ज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं समझ रहा, उन्हें नहीं बता पा रहा, तो एक पत्रकार में जो कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में, कुछ घंटों में टीवी की स्क्रीन पर बैठकर हम और आप से बड़े बिग डेटा को एक ग्राफ में, एक उसमें बता देता है, इतने लोगों ने इसे लाइक किया, इतने लोगों ने हाँ किया, इतने लोगों ने ना किया, इतने लोग ये कहते हैं, इतने लोग ये कहते हैं, व्हाट इज डिफरेंस सोशल साइंटिस्ट और एक जर्नलिस्ट। हमसे ज्यादा डेटा एनालिसिस वो घंटों में मिनटों में कर रहे हैं, हम और आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और सोसाइटी हम हमारे कंट्रीब्यूशन से ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनके मान रही है, देख रही है, लेकिन वो एक सतही जनरलाइजेशन कितना काम करता है और समाज के लिए कितना हितकर है, ये सोशल साइंटिस्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। और जब तक हम एक सार्थक हस्तक्षेप, एक सशक्त और नए टूल टेक्निक, नई टेक्नोलॉजीज के साथ नहीं करेंगे, तो हम ना सोशल साइंसेस का विकास कर पाएंगे, ना अपने एकेडमिक एराना
में कुछ नई चीज दे पाएंगे, ना हम दुनिया के साथ बदलती दुनिया, बदलती पूरी ज्ञान व्यवस्था, पूरे नॉलेज सिस्टम में अपने आप को नए ढंग से एस्टेब्लिश कर पाएंगे। हम आज अब कंटेंट एनालिसिस के पुराने तौर तरीकों से किस तरह के एनालिसिस कर पाएंगे, है ना? व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक बिग डेटा है, बिग इंफॉर्मेशन है, सोसाइटी डे टू डे के इंटरेक्शन, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से ज्यादा बहुत कुछ वहां कर रही है। उस वर्चुअल व्यवहार को समझने के लिए सोशल साइंसेस के पास क्या नई दृष्टियां हैं, क्या नई टेक्निक्स हैं, ये बहुत चैलेंजिंग है ना। उस फेसबुक पर जहां टनों इंफॉर्मेशन जिन्हें सिर्फ तोल में ही आंका जा सकता है, गिनना बड़ा मुश्किल है, है ना, सुबह से शाम तक मूव करती है, है ना। ट्विटर हैंडल एक वीआईपी से लेकर एक सामान्य आदमी तक किस तरह से चीजों को इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस वर्चुअल और एक्चुअल के बीच जो बहुत सारा क्रिएट करना है वो सोशल साइंसेस को करना है, वो इन रिसर्च मेथोडोलॉजीज को करना है जिन पर बहुत गंभीरता से काम होना है। ठूठ हथियारों से हम बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो क्या नए तरीके इजाद हो, किस किन नए ढंग से हम चीजों को समझें और इन सूचनाओं को मत कर किस तरह से ज्ञान का निर्माण करें, और थोराइज होने की तो संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, होती रहेंगी, लेकिन हमें अप्लाइड सोशल साइंसेज अप्लाइड मेथोडोलॉजी की तरफ बहुत तेजी से, फुर्सत नहीं है, उतना काम करने की जरूरत है। जो 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 नए दबाव हमारे जीवन को सीधे अफेक्ट कर रहे हैं, रोज मानवीय संबंधों पर, सामाजिक संरचना पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें हम कब समझेंगे, बहुत देर हो जाएगी। जैसे हमारे अखबारों ने, पत्रिकाओं ने सिनेमा को बहुत वर्षों तक कोई स्पेस ही नहीं दिया। अगर बहुत कुछ अखबारों ने बाद में शुरू भी किया तो लास्ट के पेज पर किसी हीरो हीरोइन का एक फोटो छाप के खत्म कर दिया, और बहुत अट्रैक्टिव सा फोटो छाप कर एक सिनेमा की पूर्ति कर दी। लेकिन जब उसे समझ आया कि उसने तो पिछले 50 सालों में भारतीय समाज की बखिया उधेड़ दी और उसने भारतीय समाज को उतने गहरे बदलावों की तरफ धकेल दिया, फिर उन्होंने उस सिनेमा को समझना शुरू किया, उन्हें रिव्यू करना शुरू किया, और अब हम सिनेमा स्टडीज उन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये उसी का एक पुराना या शुरुआती हिस्सा था जो आज नए डिजिटल एरा की तरफ हमें बहुत तेजी से प्रेशराइज कर रहा है और हमें उन मेथोडोलॉजीज को, उन सोशल साइंसेज को, उन विषयों को अपने अध्ययन अध्यापन के केंद्र में लाना ही पड़ेगा, उन चीजों को समझना ही पड़ेगा, उन दिशा में हमें काम करना ही पड़ेगा। समाज तो जूझ रहा है पानी के संकट से, समाज तो जूझ रहा है क्लाइमेट चेंज के संकट से, और मैं रिसर्च कर रहा हूं परिवार में महिलाओं की बदलती भूमिका, परिवार में बुजुर्गों की बदलती भूमिका, है ना, ग्रामीण व्यवस्था में पंचायत की भूमिका। मैं इनकी भूमिकाओं को, इनके कंट्रीब्यूशन को कोई कम नहीं कर रहा हूँ या इन्हें खारिज नहीं कर रहा हूँ, ना ये कह रहा हूँ कि इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े सवाल जब आपके सामने हैं, आपके सामने फौरी समाधान की इतनी समस्याएं हैं जो एकदम तत्काल समाधान चाहती हैं, जो जीवन संकट में लोग एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं। सोशियोलॉजी ऑफ वाटर, पानी का समाजशास्त्र क्या है, एनवायरमेंट का समाजशास्त्र क्या है, क्लाइमेट का समाजशास्त्र क्या है, कैसे उन सवालों की तरफ हमें समझना है। अप्लाइड सोशियोलॉजी खाली कोई सामाजिक समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं है, या अप्लाइड मेथोडोलॉजी खाली कोई कुछ चीजों के समाधान तक सीमित नहीं है। नई स्थितियों में कैसे समाज को जागरूक बनाना है, कैसे सोसाइटी में सेंसिटिविटी पैदा करनी है,
ये भी उसका अहम हिस्सा है। और जब हम एक कंसर्न सोशल साइंस खड़ी करेंगे तो हम अपने इर्द गिर्द के सवालों पर बात करेंगे, जिसे हम मीनिंगफुलनेस कहते हैं, सार्थकता कहते हैं, वो यही है। जब हम सवाल करते हैं, सवाल उठाना बेसिकली रिसर्च करना है, सवाल ही तो रिसर्च है। मैं बहुत सामान्य ढंग से बात करना चाहता हूं, बहुत बिना सोशल साइंसेस वाले लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल ही रिसर्च है। जब तक हमारे दिमाग में सवाल नहीं खड़ा होता तो हम रिसर्च नहीं करते, और जैसा सवाल होगा वैसी रिसर्च करेंगे। अगर सवाल इतना थोराइज है, या मैं कहूं कि वो इतना निराकार है कि वो ना मुझे उतना अफेक्ट कर रहा, ना आपको समझ आ रहा, ना मेरे समाज को समझ आ रहा, मैं सिर्फ कुछ एकेडमिक एराना में इंटरटेनमेंट की कुछ तैयारियां कर रहा, हमें निराकार से पहले उस साकार की तरफ देखना होगा। नहीं तो सोशल साइंटिस्ट की, सोशियोलॉजिस्ट की भूमिका बहुत लिमिटेड बनी रहेगी। कौन हमें नीति निर्माण में शामिल करता है, कौन सरकार सोशल साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को एड्रेस करती है या हमें उन नीतियों के लिए बना जाता है। इसीलिए शायद सोशल वर्क ज्यादा डिमांडिंग है, इसीलिए शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि सोशल, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस खाली पॉलिटिकल कल्चर और वोटिंग कल्चर इस तक बात करने से आगे बढ़ ही नहीं रहा, या सोशियोलॉजी खाली जाति, परिवार, गोत्र, इससे आगे की बात कर ही नहीं रहा है, है ना। जब तक सोशल साइंसेज खाली ये कहेगी कि हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं, हम फैक्ट को समझते हैं, हम फैक्ट्स का एनालिसिस करते हैं, तो आप बहुत सीमित हैं। आपको कोई स्पेस क्यों दे, आपको सिस्टम क्यों बुलाए, आपको इससे आगे आना पड़ेगा, अपना स्पेस बनाना पड़ेगा। आप खाली अगर एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो एक 200 सालों की प्रैक्टिस में कहता है कि मैंने फला गांव की केस स्टडी की, हिंदुस्तान एक गांव नहीं है मान्यवर, हिंदुस्तान में 6 लाख गांव है, और आपके एक गांव के जनरलाइजेशन से क्या इंडियन रूरल डेवलपमेंट की कोई पॉलिसी बन सकती है, आपका उसमें कोई सार्थक योगदान बन सकता है? बाल भर भी नहीं। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के गांव हैं। आपको थोड़ा अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी मेथोडोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब आप कोई मीनिंगफुल काम कर पाएंगे। हिंदुस्तान में ना 6 महानगर हैं, ना 1 गांव है, यहाँ 6 लाख गांव हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, तो आपको उस तरह के ब्रिजिंग करने पड़ेंगे, अपनी सोशल रिसर्चेस को उस तरह से एक नेटवर्किंग में लाना पड़ेगा। हमारे जितने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है या पॉलिटिकल साइंस का इप्सा है या इकोनॉमिक्स के लोगों के अपने संगठन है या हिस्ट्री के लोगों की हिस्ट्री कांग्रेस है, उन सबको एक ब्रिजिंग करके, नेटवर्किंग बना के एक पैन इंडिया लेवल की रिसर्चेस इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। और आज से ज्यादा आसान क्या हो सकता है, जब आप इंटरनेट के दौर में हैं, आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कोई सालों खर्च करने की अब जरूरत ही नहीं है, वो एक रात, दो रात, एक दिन, दो दिन का काम है। पूरा इंटरनेट आपके सामने उसने लाके खड़ा कर दिया है, आपके जीवन को इतना सुगम बना दिया है, सूचनाओं का अंबार आपके पास है। अगर फिर भी आप उन्हें उतने बेहतर ढंग से एनालाइज करने के टूल, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी खड़ी नहीं कर रहे और नए तरीके नहीं खोज रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। हमारे स्तर पर एक नए उद्यमों को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, नए तौर तरीकों को खोजने की जरूरत है, तभी शायद सोशल साइंसेज और हम सब मिलकर कोई बेहतर ढंग से प्लानिंग में, हम एडमिनिस्ट्रेशन में, हम सिस्टम में एक सार्थक और अपने ढंग का बेहतर योगदान कर पाएंगे। और जब आप आज के तमाम तरह के नए बदलावों के दौर में समाज को देख रहे हैं, नई जटिलताओं के दौर में देख रहे हैं, नई नैतिकताएं
ग्लोबलाइजेशन के दौर में उभर रही हैं, नई सामूहिकताएं बन रही हैं, उन्हें आपको अपने ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा। नए रिलेशन, नए जो कॉजेज हैं, कार्य कारण हैं, वो कैसे बनेंगे, कैसे। खाली घटनाओं के एनालिसिस तक अगर आप खुद को सीमित रखेंगे, अपने समाज विज्ञानों का दायरा लिमिटेड कर देंगे, तो हम सब के एग्जिस्टेंस खतरे में है, हमारे डिसिप्लिन खतरे में है। खाली जीवन घटनाएं नहीं है, जीवन में प्लस माइनस दोनों हैं। जिन घटनाओं का आप बात करते हैं, जो घट चुकी, सिर्फ उनका एनालिसिस करेंगे, जो फिलहाल है उसका भी करना पड़ेगा, जो होने वाला है, जो आने वाला है, उसका भी करना पड़ेगा। तो घटनाएं और योग, नए कॉम्बिनेशन, नए रिलेशन, है ना, कैसे बनेंगे, बन रहे हैं, किस तरह सोसाइटी जा रही है, किस तरह एक वर्ल्ड सिनेरियो उभर रहा है, भविष्य की तैयारियां, चुनौतियां क्या हैं, उनकी तरफ एक सोशल साइंटिस्ट और एक डिसिप्लिन के तौर पर कोई भी समाज विज्ञान कैसे अपने आप को एक बेहतर भूमिका में तैयार करे, शायद ये आज की सबसे बड़ी विचारणीय और विमर्श की बात होगी। मैं एक इंट्रोडक्टरी स्पीच के नाते सिर्फ कुछ सवालों को आपके बीच खड़े करने का प्रयास किया है, उस तरह का कोई कंक्लूडिंग रिमार्क करने की कोशिश नहीं की है, उस तरह के अप्लाइड रिसर्च की बात नहीं की है, क्योंकि वो आने वाले पूरे वक्ता सहभागीगण और आदरणीय नारायण सिन्हा साहब, जिन्हें मैं सुनता रहता हूँ, वो सब उन चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज की यह बातचीत बहुत सार्थक ढंग से हम सबको कुछ देगी और सोशल साइंसेस में कोई बेहतर कंट्रीब्यूशन अपना स्थापित करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोनों महाविद्यालय परिवारों को, आपकी पूरी एंटायर टीम को, जाधव साहब, दत्ता जी और तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने डिजिटल रिसर्च मेथोलॉजी की जरूरत बताई है, डिजिटल रिसर्च की एक सोच की जरूरत बताई है, एक अलग अप्रोच हम सबको दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।